नमस्कार दोस्तों, कैफे रंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेद चंपारण कटहल की सब्जी। तो जैसे बेद चंपारण चंपारण मीट बनता है, उसी तरह से हम बनाएंगे आज कटहल। बेद चंपारण बोला जाता है। तो ये हम कटहल लिए हैं, तो जितना कटहल है उसका आधा हम प्याज लिए हैं। इस प्याज को हम इस तरीके से हाथ से ही महीन करेंगे, इस तरीके से। पहले इसको खूब हाथ से हम देखिए, इस तरीके से हम सारे प्याज को अलग अलग कर लिए हैं। इसमें हम डाल देते हैं नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। और इसमें डाल देते हैं ये एक लहसुन की कलियां, और ये लहसुन का पेस्ट और ये अदरक का पेस्ट, सबको हम इसी में डाल देते हैं। और ये है कुछ मसाले: धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काला नमक, कस्तूरी मेथी, ये चिकन मसाला, ये घर का बना हुआ मसाला, काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये तीखा लाल मिर्च, सबको हम इसमें डाल देते हैं। और सबको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से हम आपको नजदीक से दिखा रहे हैं, सब मैश हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं ये धनिया का पत्ती है और पुदीना का पत्ती। इसे हम धो के कट कर लिए हैं। और ये तेल है, ये 4-5 घंटा पकाया हुआ सरसों का तेल है, इसे भी हम डाल देते हैं। पूरा नहीं डाले हैं, जितना जरूरत है उतना ही डालेंगे। अब इसमें हम ये कटहल डाल देते हैं और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इस तरीके से आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। इसमें दही और बिल्कुल कुछ नहीं डालना है। और इसे आज हम कुकर में नहीं, इसे हम हांडी में पकाएंगे। तो इसको हम हांडी में ले लेते हैं। तो एक भारी मोटे तले का हम बर्तन लिए हैं, इसमें हम सारा डाल देते हैं। इस तरीके से डाल दिए हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, ना तेल डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। और आपको हम दिखाते हैं, इसे इस तरीके से ढक के, और इस पर हम ये आटा रखे हैं, आटा चारों तरफ इसे हम लगा लेंगे हाथ धो के। चारों तरफ हम आटा से इसको, ये देखिए, इस तरीके से हम आटा से, ताकि इसमें कहीं से भी गैस न जाए, इसको इस तरीके से हम पैक कर देंगे। तो इसे हम पूरा पैक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ से पैक हो गया है आटा से। अब इसका ढक्कन न खुलेगा, न इससे कोई गैस निकलेगा। इसको हम गैस पर ही बनाते हैं। घर में भट्टी नहीं है तो गैस का फ्लेम एकदम कम रखेंगे और इसको हम पकाएंगे। इसको पकने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा।
बीच बीच में हम उठा के इसको हिला देंगे, तो इसे आराम से हम पकने देते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये 30 मिनट हो गया है, इसे हम बीच बीच में हिला दिए हैं इस तरीके से कपड़ा से पकड़ के। इसे 10 मिनट हम और पकने देते हैं, उसके बाद इसको हम हटाएंगे। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा सब्जी बनके तैयार हुआ है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। एकदम नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये सिर्फ प्याज से पानी निकला है। अब हम आपको प्लेट में भी निकाल के सब्जी को दिखाते हैं। ये देखिए इसका ग्रेवी देखिए कितना अच्छा बना है। ये देखिए सब्जी। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, एक बार मेरे स्टाइल में बना के देखें, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगा, इसका खुशबू तो पूछिए ही मत। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।